औरंगाबाद जिले के रफीगंज रेलवे स्टेशन के करीब धावा नदी रेल पुल पर वर्ष 2002 में 9 सितंबर की देर रात्रि में हुई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी कामना को लेकर रेल कर्मियों और स्थानीय नागरिकों की ओर से सोमवार की रात लगभग 10:45 पर रेल पटरी की पूजा अर्चना की गई और कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा गया। रेल अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 2002 में आज के ही दिन हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें 133 लोग मारे गए थे। ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो इसी को लेकर हम लोग हर वर्ष इस दिन धावा नदी रेल पुल पर रेल पटरी की पूजा अर्चना करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज सेवी तुलसी यादव ने बताया कि इस घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति हेतु कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेल कर्मी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। गौरतलब है कि हादसे के बाद प्रतिवर्ष रेल कर्मियों एवं स्थानीय लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करना यहां के लोगों में बसे मानवता को प्रदर्शित करता है। लोगों का मानना है कि देश के कई जगहों पर ट्रेन हादसे हुए मगर रफीगंज इकलौता शहर है जहां आज भी हादसे में मृत हुए आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। 22 वर्ष पूर्व यहां पे राजधानी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें लगभग 150 लोगों की जान गई थी और हम लोग प्रत्येक वर्ष उन आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन आत्माओं के लिए। इसके साथ ही साथ रेल पटरी की पूजा करते हैं और हम लोग कामना करते हैं कि पूरे देश दुनिया में इस तरह के दुखद घटना कहीं ना हो, ये हम लोग माँ काली से कामना करते हैं। साथियों, आज के ही दिन 9 सितंबर 2002 को यहाँ राजधानी दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं के याद में हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि इस तरह के दुर्घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए ईश्वर से हम लोग विनती करते हैं और उनका याद करते हैं। क्या होगा कर क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं कि इस तरह का दुर्घटना का पुनरावृत्ति न हो, ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसा दुर्घटना न कभी घटे। इसी दिन बहुत ही दर्दनाक और भयंकर दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में रेल को तो क्षति हुई थी, साथ साथ कितने जन मानस का जो है सो विनाश हुआ था और हम आज के दिन उनकी दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए हम लोग कैंडल जलाएंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए 1-2 मिनट का शोक करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे सब लोगों के अति से कि इस तरह की दुर्घटना का पुनरावृत्ति फिर पुनः ना हो।